हल्द्वानी में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हल्द्वानी हेड़ा खान मार्ग पर भरभराकर धराशाही हो गई। इस मार्ग के लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से तकरीबन 80 गांव वाला संपर्क मार्ग बंद हो गया है। हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी प्रशासन मार्ग खुलवाने के लिए मशीनरी नहीं भेजी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी क्या कुछ हालात जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है, क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई कदम? ये इस जगह पर हर बार जो है लैंडस्लाइड होता है और खासकर ग्रामीणों का भी यही आरोप है कि अब जब सरकारी मशीनरी वहां पहुंच गई है तो ग्रामीणों का कहना है कि इसी के ऊपर सड़क न बनाई जाए जबकि इस क्षेत्र में दूसरे रास्ते से सड़क बनाई जाए। पिछले साल भी इसी जगह लैंडस्लाइड हुआ था और इस बार भी इसी जगह लैंडस्लाइड हुआ है। लिहाजा अब जो हेड़ा खान विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसके आसपास से जुटे लगभग 80 गांवों में जो रास्ता ये था एकमात्र वो बंद है। फिलहाल जो आवागमन पैदल हो रहा है और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग इस बात को तय कर रहा है कि कैसे यहां पर एक मजबूत मार्ग बनाया जा सके जिससे वो लैंडस्लाइड में गिरे ना और लोगों के जो आवागमन की सुविधा है उसको भी कैसे जल्दी सुचारू किया जाए इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए हैं कि वहीं पर मार्ग को जो है उसी रूट पर न बनाकर अन्य स्तर से बनाया जाए क्योंकि हर साल बरसात में यह होता है कि वहाँ लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद कई महीनों तक लोगों का घरों बिल्कुल हर बार इसी समस्या से इसी स्थिति से जो है कहीं ना कहीं दो चार लोगों को होना पड़ता है और तस्वीरें भी बेहद ही भयावह है यहाँ पर। लेकिन अब जिस तरह से ग्रामीणों और लोगों की तरफ से मांग की जा रही है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मांग को लेकर? उनका ये कहना है कि इसमें जो है लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और तमाम अन्य जो कार्यकारी संस्था है उनके माध्यम से इसका सर्वे कराया जाएगा कि आखिर जो पहाड़ी रास्ता है वहां पर कहां पर जहां जो मजबूत रास्ता जहां पर इनको मिल सके क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ है वो भरभराकर धराशायी होने वाला है, कमजोर पहाड़ है। इससे पहले भी इसमें लैंडस्लाइड हुआ है, फिर सड़क बनी, फिर इसके बाद लैंडस्लाइड हुआ, इस बार फिर लैंडस्लाइड हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका भी अब ये कहना कि अब लगातार 3 या 4 बार उन्होंने देख लिया है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है और हर साल होता है और इसका खामियाजा वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है क्योंकि 2-2, 3-3 महीने तक उनके घरों के राशन और तमाम अन्य और कहीं ना कहीं ये मार्ग जो है 80 गांव को भी जोड़ता है तो इसलिए भी काफी अहम हो जाता है। फिलहाल शुक्रिया दिनेश जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।